वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, वेलकम टू डीआर व्लॉग्स। और आज हम बात करेंगे बजटेड सोसाइटी फ्लैट की। तो अब यहाँ पर आ गए हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, जो कि NSEZ आपने सुना होगा, वो बहुत नियर है इसके। NSEZ मेट्रो स्टेशन इज़ द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। और आज हम आपको दिखाएंगे कि सस्ते से सस्ता फ्लैट आप यहाँ पर कैसे ले सकते हो, क्योंकि ये बेस्ट लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर नियरेस्ट मार्केट है, 2 मिनट्स वॉक रोड है, नियरेस्ट मेट्रो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ नियर बाई है। तो अभी भाई हमारे साथ, इनकी मदद से आज हम देखेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ सोसाइटी में, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये फ्लैट, बेसिकली यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है, जो फ्लैट्स की क्वालिटी है बहुत अच्छी है। तो आज हम यही देखेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो गाइज़, अब हम एंटर हो रहे हैं, ये 2 BHK फ्लैट है, और इसका एरिया हम देखेंगे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इस फ्लैट में, वो सब देखेंगे अभी। तो अबे भाई हमारे साथ है, तो अबे भाई इसका टोटल एरिया कितना है अभी फ्लैट का? 1,000 स्क्वायर फीट। अच्छा, देखिए जैसे ही हमने एंटर किया है, राइट में हमारे किचन है। किचन में आप देखेंगे काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर बनाया हुआ है। ये स्पेस आपका रेफ्रिजरेटर रखने के लिए काफ़ी, किसी भी साइज के रेफ्रिजरेटर हो आप यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए टाइल्स की डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी हुई है, 12x6 की है। देखिए ये आपका किचन प्रॉपर है, यहाँ पर एक वॉश मशीन लगी हुई है, टैप हैं, और वेंटिलेशन भी देखिए। देखिए यहाँ पर सामने, जैसे आप देखेंगे सामने, तो यहाँ पर बालकनी में सीधा फ्रंट है आपका। अब आप आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं और क्या क्या है फ्लैट में। तो ये राइट में जस्ट किचन के नेक्स्ट आपका आ जाता है एक बेडरूम है, ये छोटा वाला। बेसिकली इसमें 2 BHK है, तो एक बड़ा बेडरूम है और एक छोटा बेडरूम है। हाँ, तो ये आपका स्पेस रहेगा, आपको मैं बाहर से दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, देखिए यहाँ पे AC भी लगा सकते हैं आप, या फिर आप विंडो भी रहने दे सकते हैं। ये आपकी बड़ी बालकनी है, ये देखिए व्यू, देखिए बाहर का। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए ये आपका ड्राइंग रूम है, जिसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है। सो अबे भाई कितना स्पेस है इसमें आप बताएंगे हमें? 21x11। अच्छा, काफ़ी अच्छा स्पेस है। अब अगर आप रूफ टच भी देख सकते हैं कि 10 फीट के ये हाइट है आपका, और काफ़ी अच्छा, मतलब देखिए बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं बनाया है, ये बहुत सिंपल ही बनाया हुआ है। इधर देखेंगे 3 विंडोज़ हैं, यहाँ पर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। ये स्पेस बेसिकली क्या है, ये स्पेस आप AC विंडो AC के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप विंडो भी रहने दे सकते हैं। देखिए स्विच वगैरह सब ऑलरेडी फिटेड है यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी रेडी टू मूव फ्लैट है, बता रहे हैं भैया।
और देखिए एक वॉशरूम इधर है आपका, कॉमन वॉशरूम है, काफी अच्छा स्पेस है वॉशरूम का भी, सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही फिटेड है। आपको सिर्फ अपना एक अगर आप गीजर लगाना चाहते हैं विंटर्स में वो लगा सकते हैं, बाकी सारा टैप वगैरह ऑलरेडी फिटेड है इसमें। देखिए अभी थोड़ा सा अनटाइडी इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि क्लीन नहीं है, बट हाँ रेडी टू मूव है, जब कोई बंदा रहने आएगा तो उससे पहले क्लीन करा के देंगे। सो ये आ गया आपका मास्टर बेडरूम। सो इसका साइज कितना होगा भैया? 18x11 का इसका साइज होगा। और ये देखिए एक आई थिंक कितना अच्छा वेंटिलेशन है, शाफ्ट है यहाँ पे। भैया बताएंगे क्या क्या है इसमें आगे? शाफ्ट है वेंटिलेशन के लिए, शाफ्ट ठीक है भैया। और ये स्पेस भी है, कुछ कवर्ड वगैरह अगर करवाना चाहो तो यहाँ पे करवा सकते हो। ओके ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो मॉड्यूलर जो भी काम है वो उस बंदे को खुद ही कराना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन है इधर भी। और सबसे बढ़िया बात है फिलहाल अभी हम टॉप फ्लोर पे हैं, तो टॉप फ्लोर पे जस्ट उसके ऊपर ही छत है, बंदा कोई भी शाम के टाइम पे आप विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और एक आई थिंक वॉशरूम इधर भी है मास्टर बेडरूम के साथ, वो हमने मिस कर दिया है, अटैच वॉशरूम है। देखिए ये भी काफ़ी अच्छा है स्पेस, इसमें ये अटैच है, सेपरेट वॉशरूम है, इसमें भी वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो काफ़ी अच्छा ये फ्लैट इन्होंने प्रिपेयर करा हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कम्यूटिंग पर्पज से बहुत अच्छा है, FNG एक्सप्रेसवे टच है। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे जाते हैं तो जस्ट हार्डली 6-7 किलोमीटर, परी चौक इज 8 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, एंड लाइक मेट्रो इज 4-5 किलोमीटर्स, NSEZ मेट्रो 8 किलोमीटर, परी चौक मेट्रो, एंड लाइक कहीं भी आपको जाना है बहुत सब प्लेसेस नियर बाई हैं इसके। तो मेरा यही है कि अगर आपको ये फ्लैट पसंद आया, अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा फ्लैट भी इसी सोसाइटी में है, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छी सोसाइटी है। तो अबे भाई आप हमारे व्यूअर को ब्रीफली बताइए कि यहाँ पर क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रेट है और किस तरीके से अवेलेबल है, कितने यूनिट सेल हो चुके हैं, कितनी फैमिली ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं, तो जिससे सब लोगों को ये पता लगे कि ऑलरेडी मूविंग प्रोजेक्ट है, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। एक मुझे जहाँ तक पता है कि एक ही टावर है जो यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी फ्यूचर प्लान में भी प्रोसेस में है। तो आप बताएं कि 2BHK का क्या प्राइस है? क्या आज के रेट में हमारे यहाँ प्राइस है 27 से 28 लाख में है, टॉप फ्लोर रेडी टू मूव है। तो बहुत ही अच्छा कॉस्ट है, व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि इससे बेटर ऑप्शन मतलब नहीं मिल सकता। सबसे बड़ी बात ग्रेटर नोएडा की मुझे ये लगती है कि ग्रेटर नोएडा में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना पॉल्यूशन हो चुका है आज की तारीख में कि हर बंदा चाहता है कि उसकी सराउंडिंग्स में ग्रीनरी हो। यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, सब कुछ इजीली अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे कि कितने यूनिट अवेलेबल हैं ऑलरेडी जो सोल्ड आउट हो चुके, कितनी फैमिलियाँ रह रही हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ लगभग 150 बुक कर चुके हैं, सभी लोग रह रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं 1BHK फ्लैट की। तो 1BHK भी हमारे पास, हमने देखा नहीं है वीडियो में, लेकिन हमारे पास 1BHK फ्लैट है, कॉन्सेप्ट सब इस टाइप का ही है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। तो हम बताएंगे स्पेस कितना है। 1BHK 600 स्क्वायर फीट में है, रेडी टू मूव फ्लैट है। ओके भैया, जो कि अभी हमारे 2 टावर कंप्लीट हो चुके हैं और लोग इस टाइम रह रहे हैं। ओके ओके, और कुछ इन्वेंट्री हमारे पास 1BHK में भी बची हुई है। लगभग कितनी इन्वेंट्री हमारे पास बची हुई है 1BHK? ओके, 5-7 इन्वेंट्री अभी बची है 1BHK में। तो देखिए कि ऑलरेडी फैमिली रह रही है 1BHK में, सिर्फ 4-5 ही इन्वेंट्री बची है, लेकिन 2BHK में अभी हमारे पास फ्लैट्स हैं और हमारा अपकमिंग एक टावर भी पेंडिंग है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो मोस्ट प्रॉब्ली इन 1 ईयर वो भी डेवलप हो जाएगा। हाँ, तो उसमें काफ़ी इन्वेंट्री है, तो हम उसकी प्री बुकिंग ले सकते हैं। जब हम बात करते हैं 1BHK फ्लैट की, तो 1BHK में आपने बता ही दिया है कि कितने प्राइसिंग क्या है उसकी बेसिकली? 1BHK लगभग रेडी टू मूव है। ओके, पार्किंग 17 लाख रुपए टोटल कॉस्ट है।
ओके सो पार्किंग का अलग से कोई पैसा नहीं है, वो फ्लैट की कॉस्ट में इंक्लूड है, ठीक है। और क्या 1-2 BHK में भी उसी कॉस्ट में इंक्लूड है? तो बताइए कि जो अपकमिंग आपका टावर है लॉन्च होने वाला है, तो अगर कोई बंदा उस पर फ्लैट बुक कराता है तो क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे उसके लिए? 2 BHK है आई बिलीव वो हमारे पास अभी, जैसे रेडी फ्लैट है उसमें जो सिलेक्टेड बची हुई है। ओके और जैसे अगर कोई अभी हमारा जो नया टावर आने वाला है तो उसमें जो बुकिंग कर रहे हैं उनकी चॉइस की बुकिंग मिल जाएगी। ओके सो चॉइस की choice in the sense floor wise choice या फिर जो भी यूनिट वो फिक्स करना चाहें, अभी वहाँ पर कोई भी बुकिंग नहीं हुई है, अभी जो रेडी टू मूव इन फ्लैट है वहाँ पर कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स अवेलेबल हैं, अगर वो उसमें कंफर्टेबल हैं तो वो भी ले सकते हैं, या फिर जो अगर किसी के पास टाइम है स्पेंड कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी, तो फ्यूचर पर्पज़ से वो ले सकता है टावर सी में, ठीक है। अभी हमारे पास ए टावर है, बी टावर है और सी अंडर कंस्ट्रक्शन है, डी एंड ई इज़ 1 BHK फ्लैट, सो ए एंड बी इज़ 2 BHK एंड डी एंड ई इज़ 1 BHK, सो करेक्ट राइट? हाँ जी, तो इनका ये हुआ बेनिफिट की बात। अब मैं इस वीडियो में आप अपना एक बार नंबर शेयर कर दीजिए। हमारा नंबर है अभय सेगल, हमारा नाम है और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9540786748। ओके तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मैं ये नंबर अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी छोड़ूंगा और इनका मेरा खुद का ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, अगर आप यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं तो वीकेंड में कभी भी प्लान कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे ईमेल करें या फिर कॉन्टैक्ट करें तो थोड़ा सा एडवांस में करें। सपोज़ करिए आपको वीकेंड पर आना है तो आप मंडे ट्यूज़डे कॉल कर लीजिए, जिससे मैं आपकी मीटिंग फिक्स करा सकूँ, जिससे हम एक बेटर तरीके से आपके लिए सब कुछ अरेंजमेंट कराएं। सपोज़ कीजिए कि आप कभी नियर बाई विद इन 5 किलोमीटर्स अगर आप हैं तो हम आपको पिकअप भी करा सकते हैं। विद इन 5 किलोमीटर्स अगर आप हैं तो आप 5 किलोमीटर तक आ जाइए, वहाँ से हम आपको पिकअप करा सकते हैं, या फिर नियरेस्ट मेट्रो जो है वहाँ से पिकअप करा सकते हैं, विच इज़ हार्डली 5 किलोमीटर्स। तो सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी कोई भी क्वेरी हो, हम उसे जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप विजिट करना चाहते हो, अगर आपका मूड हो फ्लैट बुक करने का, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं बेसिकली वीकेंड में ही अवेलेबल रहता हूँ, लेकिन हमारे अभय भाई मंडे टू संडे अवेलेबल हैं, एक्सेप्ट ट्यूसडे इनका ऑफ रहता है, बट ट्यूसडे भी कोई ना कोई आपको ऑफिस में अवेलेबल मिल जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप पहले से मीटिंग फिक्स करके आ रहे हैं। अगर आपके पास ट्यूसडे टाइम है तो आप आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम प्री प्लान करके आपकी मीटिंग फिक्स कर सकते हैं। सो अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे, अगली वीडियो भी हमारी रियल इस्टेट के एक नए प्रोजेक्ट पे होगी, जब तक के लिए बाय।